शहीद हेमराज मीणा राजकीय महाविद्यालय सांगोद में प्राचार्य व व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर ग्रामीण छात्र संगठन सांगोद ने उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण छात्र संगठन के नगर अध्यक्ष आशीष गुज्जर ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय सांगोद में लगभग 2 साल से स्थायी व्याख्याताओं की कमी होने के कारण छात्र छात्राओं की पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही। बीच बीच में विद्या संबल योजना के तहत कुछ व्याख्याता लगे हुए हैं जो मात्र कुछ महीने के लिए हैं, इसलिए छात्रों के भविष्य को देखते हुए स्थायी व्याख्याता नियुक्त किए जाएं, क्योंकि इस प्रकार विद्यार्थियों की पढ़ाई व्यर्थ हो रही है। ये मात्र ऊंट के मुँह में जीरे जैसे कहावत साबित हो रही है। महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षक का ना हो पाना भी बच्चों के लिए NCC व खेलकूद की विभाग में भी पिछड़ना है। प्राचार्य का पद छात्र संघ चुनाव के पहले से ही खाली चल रहा है। वर्तमान में मात्र एक व्याख्याता के ऊपर पूरा महाविद्यालय चल रहा है और उसके ऊपर ही प्राचार्य की जिम्मेदारी भी है, जिससे अभी तक भूगोल विषय की कक्षाएं प्रारंभ नहीं हो पाई है। ज्ञापन देने वालों में छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप पंकज, छात्र संघ उपाध्यक्ष शोएब अख्तर, छात्र संघ महासचिव दृष्टि सुमन, छात्र संघ संयुक्त सचिव लक्ष्मी मीणा व कई छात्र नेता मौजूद रहे। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।